देख सकते हैं उसमें बहुत सारा कैपेक्स का अनाउंसमेंट हुआ है. कौन सा मैडम? गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स. गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स हाँ, अभी 905 पे चल रहा है. क्या स्पेलिंग बताएंगे मैडम? GUJA. मिल गया, थैंक यू मैम. क्या न्यूज आया मैडम? इसमें कैपेक्स का प्लानिंग चल रहा है. तो कैपेक्स किसी को अगर पता नहीं है मैं बता दूं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, खर्चा करने के लिए कंपनी रेडी हुआ है. तो ये एक अच्छा शेयर हो सकता है. लेकर मैं देखूं डेली आवरली कैंडल में मूवमेंट कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है. इवेंट बेस में स्टॉक ले सकते हैं मैडम. स्टॉप लॉस कुछ आप सजेस्ट करेंगे लोगों के लिए? जरूर, मैं अगर बोलूं तो 37,755 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, तकरीबन 120 रुपए नीचे. अभी चल रहा है 3870, तो आराम से इसमें ले सकते हैं. मैडम के स्टॉक सिलेक्शन के ऊपर बहुत ही मुझे भरोसा है, मैंने बहुत पैसा कमाया है मैडम के एडवाइजरी से. ठीक है, और कोई कोई स्टॉक सजेस्ट करना चाहेगा ग्रुप में से? कोई है किसी ने स्टॉक अच्छा सा चुना है? तो मैं अभी लाइव ट्रेडिंग जो चल रहा है यहाँ पे टर्मिनल में वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा. आप सब देख पा रहे हैं? आपको एक सेकंड. आप अगर मेरा वीडियो का जो क्लिप है उसको अगर बड़ा करेंगे तो आपको क्लैरिटी के साथ दिखेगा. ये चल रहा है आपका लाइव ट्रेडिंग, मुहूर्त ट्रेडिंग. सूर्य भाई हैं मोतीलाल उसवाल से और हमारे अच्छे क्लाइंट जो आए हुए हैं जो कर रहे हैं अभी मुहूर्त ट्रेडिंग. ठीक है, तो मुहूर्त ट्रेडिंग टर्मिनल भी आप लोगों ने देखा होगा या नहीं, क्योंकि आप लोग तो ऑनलाइन में ट्रेडिंग करते हो. ठीक है, और कोई स्टॉक है कोई कुछ अगर पूछना चाहता है तो पूछ सकता है, या फिर सेशन यहाँ पे बंद करेंगे. मैंने आपको बता दिया इस वीक में 3 स्टॉक्स रैली दे सकते हैं. ऑलरेडी मैं बता दिया हूँ, जम्मू कश्मीर बैंक कोई ले रहा है तो स्टॉप लॉस लगाइए कहाँ पर, 31 रुपये में, 3470 चल रहा है. टारगेट आपका रहेगा कहाँ पे? 48 रुपये. ठीक है, 20 रुपये, 10-15 रुपये का टारगेट है. आरएमएल अगर देखेंगे तो मैं आपको वीकली कैंडल, इसमें थोड़ा वॉल्यूम कम है फिर भी अच्छा स्टॉक है. आरएमएल भी आप बाय कर सकते हो, रिसेंट लो 358 में आप स्टॉप लॉस रखोगे, 377 चल रहा है. टारगेट कहाँ तक हो सकता है? टारगेट आपका हो सकता है 420. ये स्टॉक्स ब्रेकआउट में है इसीलिए मैंने आपको दिया हुआ है, अच्छे पैटर्न्स बने हुए हैं. और हो गया स्नोमैन लॉजिस्टिक, आप लोग 36 या 35 रुपये का स्टॉप लॉस लगा सकते हो और आपका टारगेट रहेगा 39 रुपीज़ एंड 43 रुपीज़. और ये स्टॉक मैं रेकमेंड कर रहा हूँ, आप खरीद के रख सकते हो होल्डिंग में. इसमें मूवमेंट मुझे लग रहा है कि एक लंबा मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो बिलोंग करते थे लॉजिस्टिक्स से, वो सारे भाग चुके हैं, तो इसमें भी एक मूवमेंट देखने के लिए मिल सकता है. ठीक है सर, लॉजिस्टिक इतना मूवमेंट देने का मतलब कोई साइन वगैरह कुछ नॉलेज नहीं? लॉजिस्टिक में मैंने एक शेयर देख रहा था, ऑल कार्गो लॉजिस्टिक. अगर आप देखोगे कोरोना के टाइम में ये तकरीबन गिर के चला गया था आपका 20 रुपये 25 रुपये, अभी 450 रुपये में ट्रेड हो रहा है. ठीक है, और कंटिन्यूसली अभी मैं देखा हूँ लॉजिस्टिक में थोड़ा मूवमेंट देखने के लिए मिला है. तो स्नोमैन लॉजिस्टिक बहुत ही अच्छा है फंडामेंटली, आप बाय करके रख सकते हो 1.5-2 महीने के लिए. मुझे लगता है इसी वीक में ये 3 स्टॉक में कुछ आपको मूवमेंट देखने के लिए. स्टॉप लॉस कितना रहेगा? कौन सा? स्नोमैन लॉजिस्टिक में? जी सर, स्नोमैन लॉजिस्टिक में आप अगर कैंडल्स देखोगे अभी प्रीवियस लो अगर देखेंगे तो 35-35 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के आप उसे बाय कर सकते हो. और टारगेट रहेगा 39 और 43.
टारगेट सब 39 और 43 रहेगा? नहीं 39 तो नहीं, 43 एंड 48 का टारगेट रख सकते हो आप, ठीक है। और किसी के मन में है कोई स्टॉक्स जो बात करना चाहेगा कि उसी स्टॉक पे हम बात करें? और जो बैंक का बोले उसका क्या नाम है? जम्मू एंड कश्मीर बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक 34 रुपीज़ में चल रहा है, 31 रुपये में खरीदो, ये एक आपका लंबा रैली दे सकता है। 34 रुपीज़ चल रहा है अभी, 34.80 चल रहा है, 31 रुपये का स्टॉप लॉस, मतलब 4 रुपये का स्टॉप लॉस है। टारगेट लंबा रहेगा, मैं बेचने के लिए आपको मैसेज करूंगा, अभी मत बेचना। फॉलिंग वेज बन रहा था वीकली में, ब्रेकआउट दिया है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर में, बहुत लंबा रैली दे सकता है। कितने में खरीदना है? 34 में ना? नहीं नहीं, इसी मार्केट में खरीदो, लंबा तो रखना है। सर जम्मू कश्मीर बैंक अभी रैली आने का रीजन क्या है? मतलब 160 से फॉल हुआ है, तो कुछ तो हो सकता है। देखिए फॉल क्यों हुआ है ये आपको मतलब 10 साल पीछे जाना पड़ेगा, पूरा पीएसयू बैंक्स का आपको रिकॉर्ड देखना पड़ेगा, क्यों वो लॉस कर रहे हैं उनका मैनेजमेंट देखना पड़ेगा। मैं फंडामेंटली देख रहा हूँ कि ये सेक्टर काम नहीं कर रहा है, और दूसरी जो बड़ी बात है अभी बैंक में रैली आया है, तो जो जो जिस जिस स्टॉक्स में ब्रेकआउट दिया गया है, ब्रेकआउट मिला है, उसी स्टॉक्स को मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जम्मू एंड कश्मीर बैंक एक आपको रिस्क फ्री रिटर्न दे सकता है, बाय करके रख सकते हैं। मुहूर्त ट्रेडिंग स्पेशल सुजाई जम्मू कश्मीर बैंक समझते हूँ ना। ओके और किसी के मन में है कोई स्टॉक तो एनालिसिस करेंगे टेक्निकली? ठीक है कोई नहीं, आई होप सारे लोग ज्वाइन किए। अगर कुछ किसी को प्रॉब्लम हो रहा है तो मैसेज कर सकते हैं। हैप्पी दिवाली सबको, ठीक है। हैप्पी दिवाली सर। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली सर। आकाश सर इतना रखता है, ठीक है, थैंक यू।